कह सकता हूँ कि सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं है हिमाचल प्रदेश में। कानून व्यवस्था के सिलसिले में आज जिसके कारण मैं आप सबके बीच में पहुंचने में विलंब हुआ, पालमपुर में एक बेटी जो पढ़ाई कर रही है, एमए की पढ़ाई कर रही है, बस स्टैंड पे वहाँ पर एक युवक तेज धारदार हथियार से उन पर हमला करते हैं, 10 से ज़्यादा वार उन पर किए गए और उस बेटी को लहूलुहान कर दिया। जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रही हैं इस वक्त पीजीआई चंडीगढ़ में। फिर आज उनके पिता से बात हुई, उनकी कजिन सिस्टर से बात हुई, मैं उनके परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए उनके घर भी गया था। और उससे कुछ दिन पहले वहीं पालमपुर के सुला विधानसभा क्षेत्र जो सात लगता इलाका है वहां पर एक 50 वर्ष की एक महिला की हत्या हुई और उसका गला काट दिया गया, जो कटर होता है पेपर कटर होता है उससे काट करके उनको नाले में फेंक दिया गया। पिछले कल बद्दी में गोलीबारी हुई जिसमें 10 लोग घायल हुए पड़े। प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने माल रोड पर एक युवक की जो बकरे की मीट काटने का जो होता क्या बोलते हैं उसको टोका बोलते हैं, उस टोके से काट करके उसकी हत्या कर दी। शिमला के रिज मैदान में आशियाना जो टूरिज्म का हमारा वहाँ पर रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, उन पर एनएसयू और यूथ कांग्रेस के लोग हमला कर देते हैं। आपके ही इसी चंबा जिला के अंतर्गत एक नौजवान को जब कांग्रेस की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद उसके 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नदी में फेंक दिया गया, इस खड में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया गया। तो कानून व्यवस्था की सारी चीजें हो रही कहां से? पुलिस तो दूसरे काम में लगा के रखी है, पुलिस लगाई है हम सबके फोन टैपिंग के काम में, उनको वो कहाँ जा रहे हैं पूरी उनकी लोकेशन लेकर के आओ, शाम को मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया जाता है सीआईडी के अधिकारियों द्वारा कि ये बंदा यहाँ गया था, जयराम ठाकुर यहाँ बैठा, 15 मिनट यहाँ बैठा, 15 मिनट वहाँ गया, उस सारी लोकेशन उनको दी जाएगी। एक महज सिर्फ चुनाव की दृष्टि से कहा हुआ आंकड़ा नहीं है, यथार्थ रूप में इसको हम अपने सामने होते हुए देखेंगे ऐसी पूरी संभावना रहे। और अभी हाल ही में आप लोगों ने जो सर्वेक्षण जो आ रहे हैं, अलग अलग सर्वेक्षण आ रहे हैं, उसमें यूपी का जो हमारा सी वोटर्स का सर्वेक्षण भी हमारे सामने आया, उसमें भी जो 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन छू रहा है। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि उसमें हिमाचल प्रदेश का विशेष जिक्र हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें जीत रही है। 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे और 2024 में भी जीते हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात उसमें यह है कि जो आंकड़ा उन्होंने जो प्रस्तुत किया है वोट शेयर का, उसमें एक बात का जिक्र है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 63% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने की संभावना है और 33% कांग्रेस की, यानी कि मसा मसा वो जो है वो जिसको बोल सकते हैं कि पासिंग के लिए कितने पास होने के लिए कितने नंबर, 33 होते हैं, हाँ उस आंकड़े के अभी तक पक्का नहीं है वो भी।